नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम। भोपाल, मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर भाजपा के दावेदार सामने आ रहे हैं। ऐसी ही एक सीट ब्यावरा से विधायक की दावेदारी कर रहे इंदर सिंह लववंशी। उनका कहना है कि जब भी ब्यावरा में विधायक की दावेदारी हुई है, तब जाति के आधार पर विधायक को टिकट दिया गया है। और क्या कहा, आइए सुनते हैं इंदर सिंह लववंशी से। खबर समय जगत में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संदेश नेमा। जैसा कि हम सब जानते हैं, मध्य प्रदेश में उपचुनाव का बिगुल फूक चुका है। कुछ सीटें जो कांग्रेस से बीजेपी में आए इसलिए रिक्त हुई हैं, और कुछ सीटें ऐसी हैं, तीन सीटें जहां विधायकों का निधन हुआ है। तो ऐसी एक सीट है ब्यावरा, जो इस समय एकदम से बहुत तेजी से मध्य प्रदेश की राजनीति में उभर कर सामने आ रही है। वहाँ सुनने में जब से ये आया है कि पिछले 2018 में चुनाव में बीजेपी ने जिनको टिकट दिया था उन्हीं का टिकट होने वाला है, तो वहाँ से कई दावेदार सामने आने लगे हैं। ऐसे ही एक दावेदार ब्यावरा विधानसभा से हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से दावेदारी कर रहे हैं इंदर सिंह लववंशी जी। बहुत स्वागत है लववंशी जी आपका। आप ब्यावरा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट क्यों दे? भारतीय जनता पार्टी से हम टिकट इसलिए मांग रहे हैं कि आज इतिहास गवाह इस बात का है कि ब्यावरा विधानसभा में जब भी कोई विधायक बीजेपी से बना, वो लोधा लोधी समाज की वजह से ही बन पाया। और मैं बीजेपी से लगभग 2008 से जुड़ा हुआ हूँ और हम उसमें कार्यकर्ता अच्छी तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, और इसके बाद में मैं लोधा लोधी समाज से प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ। आपका टिकट मांगने का कारण जातिगत? हाँ, जातिगत, क्योंकि हमेशा देखा गया कि ब्यावरा विधानसभा में जातिगत ही टिकट दिया जाता है। आज तक वहाँ पे दांगी सोनिया यादव को टिकट दिया, इसके अलावा आज तक किसी को टिकट दिया नहीं जाता है। तो हमारी जाति भी लगभग 30 से 35 हज़ार वोटिंग हमारे वहाँ पर ब्यावरा विधानसभा में है, और हम भी इस लायक है, इस योग्य है कि हमें टिकट दिया जाए, पार्टी हमें भी मौका दे, क्योंकि आज तक के समय हम लोगों को आज तक कभी टिकट दिया नहीं गया। अगर बीजेपी हमें टिकट नहीं देती है तो ये बिल्कुल परफेक्ट है कि 2018 में जब हमने बीजेपी से मांग करी टिकट की, हमें टिकट नहीं दिया गया। हमने स्वतंत्र प्रभार में व्यक्ति को निर्दलीय उतार दिया गया, जिसमें से 14 से 15 हज़ार वोटिंग हमें मिली और बीजेपी का प्रत्याशी हार गया। ये अगर इस बार भी अगर बीजेपी हमें टिकट नहीं देती है, बीजेपी से हम मांग कर रहे हैं, तो निश्चित ही हम लोग एक व्यक्ति, किसी व्यक्ति को एक निर्दलीय उतारेंगे, एक स्वतंत्र व्यवहार में उतारेंगे, जिससे निश्चित ही बीजेपी को इससे नुकसान होगा। क्योंकि हम लोग, हम इसलिए भी मांगना चाहते हैं कि बीजेपी ने सभी जातियों को इस बात के लिए सभी को बार बार टिकट दिया और उनको हम लोग अभी तक वोटिंग वोट देते आ रहे हैं। तो सभी प्रदेश के और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं ये निवेदन करता हूँ कि हमारे समाज की ओर भी ध्यान दिया जाए और टिकट दिया जाए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये सीट निश्चित ही आपके हाथ से जाएगी और निश्चित ही आप हार जाओगे। ये तो समय बताएगा कि आपकी मांग भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व उस पर क्या करता है। खबर समय जगत के लिए मैं संदेश नेमा। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संदेश नेमा की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।